रिलायंस इंडस्ट्री शेयर को लेकर 2250 रुपए के नीचे अब आकर ट्रेड कर रहा रिलायंस का शेयर, 1.5% आज भी नीचे है। चोपड़ा साहब, 2300 रुपए का भाव था ना, तो ये कहा जा रहा था कि रिलायंस बहुत सस्ता है, ले लीजिए ले लीजिए, तो भाव तो बहुत सस्ते हो गए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि क्या भाव के साथ वो ग्रोथ वाला कॉम्बिनेशन आएगा, उसको लेकर थोड़े से सवाल हैं। आपकी सलाह क्या है, रिलायंस अगर किसी को लेना ही है तो क्या ले ले अभी या नतीजों का वेट कर ले, तो एक ही दिन का समय रह गया अब। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन का समय रह गया। मैं जब से बाजार में आया हूँ रिलायंस तब भी था, और जब मैं चला जाऊंगा इस बाजार से रिलायंस तब भी रहेगा, और ये आपके लिए भी लागू है। और मुझे नहीं पता ये कौन कहता है कि अभी ले लो और आज ही ले लो और ये आखिरी मौका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट में जब भी आप बाइंग करें वो स्टैगर्ड बाइंग करें और स्टैगर्ड सेलिंग करें। अगर आपको माल बेचना भी है तो प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करें, और अगर आपको लेना है तो धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, अग्रणी कंपनी है, और बहुत डाइवर्सिफाइड है। जिस तरीके के ब्रांड्स एक्वायर करे हैं ग्लोबली रिलायंस ने, वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप देखें अभी डिज्नी को एक्वायर करने की बात करें, डिज्नी के इंडिया ऑपरेशंस को, तो ये मजाक की बात नहीं है। आई थिंक रिलायंस हैज मोर देन 100 ग्लोबल ब्रांड्स राइट नाउ अंडर इट्स बेल्ट। तो आप ये सोचिए कि ये कंपनी जो अभी कर रही है, जो अपना पैसा इनके पास है, ये काफी हद तक इन्होंने जो फैंग कंपनीज को अपना स्टेक बेचा जियो प्लेटफॉर्म्स में, और काफी हद तक अपना डेट कम किया, और जिस तरीके से, जिस स्ट्रैटेजी से मुकेश भाई आगे बढ़ रहे हैं, रिलायंस एक ग्लोबल कंपनी बनने वाली है या बन रही है, हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे। तो अगर आप रिलायंस पे व्यू रखें तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। जिस तरीके से पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले कहते थे और कुछ नहीं समझ में आता, रिलायंस लेके रख लो, तो रिलायंस लेके रख लीजिए। इसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी और बहुत सारे स्टॉक्स निकलेंगे, बहुत सारी कंपनीज निकलेंगी, प्रॉफिटेबल कंपनीज होंगी, ग्लोबल कंपनीज होंगी, नैसडैक पे लिस्ट होंगी, या US में डाओ पे भी, मतलब मुझे लगता है कि ADRs वगैरह ये सब लिस्ट होंगे। तो रिलायंस को अगर आप देखें तो आप ग्लोबल कंपनी की तरह देखें और डाइवर्सिफाइड कंपनी की तरह देखें। तो अभी जो मैं ये नहीं कह सकता कि रिलायंस का बॉटम है, मगर ये अच्छी संभावना है कि कहीं से भी अब रिलायंस को घूमना चाहिए, क्योंकि काफी डैमेज हो चुका है। मेरा ये मानना है रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहेंगे, और अगर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ भी तो भी मुझे लगता है आने वाली तिमाहियों में ये कवर करेगा, क्योंकि अभी काफी कैश आउट गो गया है ब्रांड्स एक्वायर करने में। तो आई वुड से कि रिलायंस में आप स्टैगर्ड बाइंग करते रहें और एक लंबी अवधि के लिए इसमें एक व्यू बना के चलें। ठीक है, धीरे धीरे खरीदने की सलाह है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव ढेर सारे आ रहे थे, शेयर नहीं चल रहा था, तो ये सवाल उठना लाजमी है। और कोई भी बड़े शेयर, हमारा काम भी यही कि हम सवाल उठाएंगे कई बार कि आखिर शेयर चल क्यों नहीं रहे हैं, तमाम अगर पॉजिटिव्स हैं भी। और ये सवाल हम पूछते भी हैं एक्सपर्ट से, वो थियरी HDFC बैंक के लिए भी लागू होती है, रिलायंस के लिए लागू होती है, ICICI बैंक के लिए लागू होती है, ITC के लिए लागू होती है। तो ये तमाम शेयर कहीं ना कहीं इनके चलते ही बाजार भी हम देखने के दायरे में फंसा या फिर थोड़ा सा नीचे भी आया है।